रायबरेली ऊंचा हार कोतवाली क्षेत्र के बहेरवा चौराहे निकट एक घर में उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब गैस सिलेंडर लीकेज होने के कारण आग लग गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची एनटीपीसी परियोजना की सुरक्षा में तैनात सीआईएसएफ की फायर यूनिट ने आग पर काबू पाया। कोतवाली क्षेत्र के बहेरवा गांव शिवशंकर अग्रहरी अपने परिवार के साथ ऊंचा हार सलोन मार्ग पर चौराहे के निकट मकान बनाकर निवास करता है। बुधवार की सुबह से उसके घर पर रामचरितमानस का पाठ चल रहा था। इस दौरान रात लगभग 9 बजे खाना बनाते समय गैस सिलेंडर में लीकेज के कारण आग लग गई। आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और घर में रखे छप्पर में आग लग गई। सूचना के बाद एनटीपीसी परियोजना व पुलिस की फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग बुझाई। बताया जा रहा है कि आग लगने से करीबन 1 लाख की गृहस्थी जलकर राख हो गई। पीड़ित के बेटे लवकुश की 3 जून को बारात है, इसलिए शादी का सामान भी रखा हुआ था। कोतवाली बालेंदु गौतम ने बताया कि आग लगने की सूचना पर फायर ब्रिगेड को भेजकर आग बुझाई गई। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।